का हमारे YouTube चैनल यंत्रा टूल्स में। दोस्तों ये ब्रश कटर मशीन है, काफी सारे कस्टमर्स हमारे कमेंट किया है कि जब भी वो एक नया मशीन खरीदते हैं, नया ब्रश कटर खरीदते हैं, उनके पास ये सारी अटैचमेंट्स मिल जाती है, सभी चीज आती है कंप्लीट, फिर भी वो मशीन को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। नया मशीन आने के कारण उन्हें काफी तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं होने के कारण जो मशीन वो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो समझ लेते हैं कि उनके पास जो है एक खराब मशीन आई है और वो रिटर्न के लिए बोलने लगते हैं, या फिर उन्हें काफी सारा मैकेनिक को दिखाना पड़ता है, काफी खर्च हो जाता है। तो आज हम की इस वीडियो में देखें कि एक नया मशीन को हम लोग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें क्या क्या टेक्निक्स है जिसके कारण अगर वो मतलब कि स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उन सब चीजों को हम लोग यूज करके एक बार उसको हम लोग समझ लेंगे कि उसमें क्या खराबी है या क्या अच्छा है, जिसके कारण वो मशीन को हम लोग अपने से ही स्टार्ट कर पाएंगे बिना किसी तकनीकी हेल्प के, किसी मैकेनिक के हेल्प के। तो चलिए आज का हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये टू स्ट्रोक ब्रश कटर है, ठीक है, ये ब्रश कटर का इंजन है। दोस्तों कोई भी ब्रश कटर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले मशीन को पूरी तरह से फिटिंग करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ब्रश कटर वो बिना किसी फिटिंग के जस्ट इंजन को स्टार्ट करने लगता है अचानक से, जिसके कारण वो मशीन ही स्टार्ट नहीं हो। से हम आराम से निकालेंगे। तो स्पार्क प्लग हमारा पूरी तरह से सही है, हमने चेक किया कि यहाँ पर अभी स्पार्क हो रही थी, मतलब ये सही है।
अब हम क्या करेंगे, स्पार्क प्लग के ये जहाँ इनलेट लगता है यहाँ पर भी थोड़ा पेट्रोल डालेंगे और इसको भी थोड़ा पेट्रोल में चुभोएंगे, उसके बाद हम लोग इसको दोनों में लगा करके स्टार्ट करके देखेंगे। फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ, ये दो तरह के प्रॉब्लम्स हमने देख लिया। अब चलिए हम लोग आगे टेस्टिंग की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि अभी तक हमारा ये ब्रश कटर टू स्ट्रोक का स्टार्ट हुआ नहीं है। इसका स्टार्ट करने का और एक प्रोसेस होता है, चलिए मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली में ये इसका क्लच है, ठीक है, इसको हम लोग पूरी तरह से दबाएंगे, पूरा प्रेस कर देंगे जहाँ तक ये जाता है, उसके बाद हम लोग इसको रिकॉइल करेंगे, तो उसके बाद में देखते हैं ये स्टार्ट होता है या नहीं होता है। चलिए इसको हम लोग एक बार एक्स्ट्रा से कर लेते हैं। भाई ऐसे भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हम लोग इसको और थोड़ा ट्राई करते हैं, शायद ये हो जाए। इसको पूरी तरह से दबाना है। तो चलिए समझ गए कि ब्रश कटर कैसे स्टार्ट होता है। उम्मीद है आप लोगों को भी समझ में आ गया हो कि एक नया ब्रश कटर जब भी हम लोग मंगवाते हैं ऑनलाइन से या फिर कहीं से भी ऑर्डर करते हैं या फिर कहीं से खरीद के लेके आते हैं तो उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंजन जब तक पूरी तरह से अपने आप में गर्म नहीं हो जाता, रेगुलर नहीं हो जाता, उसको स्टार्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मशीन ख़राब है, मशीन बिल्कुल सही रहती है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो उसके बाद आप कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का ये काफ़ी शानदार वीडियो था, उम्मीद है आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।